शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच नहीं रहे, तो झुनझुनवाला के निधन के बाद उनके स्टॉक्स पर सबकी नज़र है। राकेश की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनी एपटेक लिमिटेड और स्टार हेल्थ के शेयरों में शुरुआती ट्रेड में 5% की गिरावट। चलिए अब आपको बताते हैं सिंगर इंडिया के शेयर कितने शेयर्स थे राकेश झुनझुनवाला के पास। तो आपको बता दें 53.50 के भाव पर उन्होंने 42,50,000 शेयर्स खरीदे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झुनझुनवाला ने बीते दिनों ही सिंगर इंडिया में निवेश की योजना बनाई थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं स्टार हेल्थ के बारे में। तो स्टार हेल्थ में 17.49% हिस्सेदारी थी राकेश झुनझुनवाला की। झुनझुनवाला स्टार हेल्थ के प्रमोटर थे। इस कंपनी में उनके 14.39% यानी कि 8.28 करोड़ शेयर्स और उनके पत्नी रेखा की 3.10% जो कि था 1.78 करोड़ शेयर्स हिस्सेदारी जून क्वार्टर में थी। कुल मिलाकर इस कंपनी में उनके 17.49% की हिस्सेदारी थी। इसकी वैल्यू 7,017.5 करोड़ रुपए है। तो चलिए अब आपको बता दें टाटा मोटर्स के कितने शेयर्स थे राकेश झुनझुनवाला के पास। तो जून के महीने में राकेश झुनझुनवाला के पास 1.5% यानी 3,62,50,000 शेयर्स थे टाटा मोटर्स के। और इसकी वैल्यू की बात करें तो इन सारे शेयर्स का वैल्यू था 1,731.1 करोड़ रुपए। तो चलिए अब आपको बताते हैं राकेश झुनझुनवाला के पास क्रिसल के कितने शेयर्स थे। तो जून के महीने में उनके पास 5.5% यानी कि 40,00,000 शेयर्स थे और जिसके वैल्यूएशन होता है 1,301.9 करोड़ रुपए। तो आपको बता दें ब्लूमबर्ग के आंकड़े के अनुसार ज्वेलरी रिटेलर टाइटन कंपनी राकेश और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के लिए सबसे बड़े और सबसे लाभदायक निवेशों में से एक थी। राकेश के पोर्टफोलियो में एक तिहाई से ज़्यादा शेयर सिर्फ टाइटन के हैं, आप देख भी सकते हो। तो आपको बता दें मार्केट वैल्यू के आधार पर राकेश की टॉप होल्डिंग्स में स्टार हेल्थ एंड इलाइट इंश्योरेंस कंपनी, फुटवियर मेकर मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड और ऑटोमेकर टाटा मोटर्स लिमिटेड शामिल है। झुनझुनवाला के पास स्टार हेल्थ, आईटी फर्म एपटेक लिमिटेड और वीडियो गेम मेकर नजारा टेक्नोलॉजी में 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो आपको बता दें 46,000 करोड़ का एम्पायर बनाया था राकेश झुनझुनवाला ने। 1985 में 5,000 रुपये से कारोबारी की शुरुआत की थी। अगले 37 साल यानी कि 2022 तक उनका एम्पायर 5.8 अरब डॉलर करीब 46,100 करोड़ रुपए पहुंच गया था। पिछले हफ्ते ही यानी कि उनके डेथ से पहले ही उन्होंने अकासा एयरलाइंस के साथ एविएशन सेक्टर में भी एंट्री ली थी। झुनझुनवाला एक समय में स्टॉक मार्केट में बियर थे यानी मंदी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर शॉर्ट सेलिंग से बड़ा मुनाफा कमाया था। तो यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो ये सारे शेयर्स हैं जो राकेश झुनझुनवाला के होल्डिंग्स पे हैं। तो आपको बता दें ये सारे 32 कंपनीज़ हैं जो कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है। और आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये करोड़ों का वैल्यू है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला किस तरीके के खिलाड़ी थे और उनके पोर्टफोलियो में कितना करोड़ रुपए का शेयर्स था।